को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लेकिन आज के अगर आपका स्किन टोन ब्राउन है मीडियम है डस्की है या मेरे स्किन टोन से सिमिलर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है मैंने हर रेंज से एक लिपस्टिक पिक की है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव्यू ऑल राइट गाइज तो जिन लिपस्टिक्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये मामा अर्थ की टॉप फाइव ब्राउन न्यूड लिपस्टिक्स जिनको मैंने हर रेंज से पिक किया है सबसे पहला शेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक रेंज से जिसका शेड नंबर है जीरो फोर एंड शेड नेम है सिनेमन न्यूड बहुत ही सुंदर सा ये ब्राउन शेड है अगर आपकी स्किन मीडियम है डस्की है या मेरे स्किन टोन से सिमिलर है तो उस पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है एंड अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड है तो उसको भी ये बहुत ही अच्छे से कवर कर देगा क्योंकि ये लिपस्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होती हैं लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती स्मज नहीं होती वाटर प्रूफ है एंड इनका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सुंदर है लिप्स पे ये बिल्कुल ही ड्राई फील नहीं होता है मतलब कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने लिप्स पे कुछ भी अप्लाई कर रखा है थर्टी सेकेंड लेती हैं ये सेटल होने में उसके बाद ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है इसमें आवाकाडो है एंड वाइटमिन ई है जो कि लिप्स को नरिश्ड करता है मॉइस्चराइज रखता है एंड बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होने देता है मैं आपको यहाँ पे स्वॉच करके भी दिखा देती हूँ एंड आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर अब ब्राउन शेड है ये एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है ना तो आप इसको एक डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ भी अगर आ, लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगती है बिल्कुल उम्र इफ़ेक्ट आता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये शेड है आप देख सकते हैं परफेक्ट न्यूड जिसको बोल सकते हैं वैसा सा ये न्यूड है ठीक है एंड दूसरा जो शेड है ना वो मैंने इसी रेंज से पिक किया है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेड है इसकी खास बात ये है कि ये शेड आपने चाहे मेकअप किया हो या मेकअप नहीं किया हो विदाउट मेकअप भी ये आपकी पे, फेस पे काफी ज्यादा सुंदर लगेगी और इसका जो शेड नेम है वो है जीरो ब्राउन, ब्राउन, ये बहुत ही सुंदर शेड है हल्का सा इससे डार्क है और ये भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है अगर आपकी स्किन मीडियम है डस्की है एंड या मेरे जैसी है या बहुत ही ज़्यादा ब्राउन है उस पर भी ये शेड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये जो शेड है ना ये थोड़ा सा वॉम साइड पे है और ये जो शेड है ना ये थोड़ा सा कूल साइड पे है बहुत ही हल्का सा मतलब ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये कूल ब्राउन है नहीं बट हल्का सा ये न्यूट्रल बोल सकते हैं बट ये थोड़ा सा वार्म है आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस होगा बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है एंड उसके बाद जो लिपस्टिक है वो है ये ममाा अर्थ हाइड्रामैट क्रीयन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक सबके प्राइस सबका रेंज सब कुछ मैं स्क्रीन में, में मेंशन कर दूंगी क्योंकि अगर मैं सारी डिटेल्स देने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी सो so, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो मैं किसी भी कॉर्नर पर लगा दूंगी ठीक है एंड ये शेड आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको लाइट लग सकता है बट जब आप लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी लाइट नहीं लगता है ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं मैं बोलूँगी इसमें ना थोड़ा सा पीच वाला हिंट है हल्का सा पीच वाला हिंट है लेकिन ये शेड भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड uh, लिप्स पे ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और क्या बोलते हैं लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल है बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता है ट्रांसफर नहीं होता है स्मज नहीं होता है एंड मैं न्यूट शेड ही क्यों रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मेड सेफ सर्टिफाइड है उनमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल नहीं होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं डर्माटोलोजिकली टेस्टेड होते हैं तो आप इनको आराम से एवरीडे बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं एंड एवरीडे बेसिस पर लोग ज़्यादातर ब्राउन शेड ही या न्यूट शेड ही यूज़ करते हैं तो इस वजह से मैंने कुछ ऐसे शेड्स पिक किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शेड्स हैं ये आप देख सकते हो मतलब अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत फेयर भी है ना तो ये उस पर भी सुंदर लगेगा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी स्किन फेयर मीडियम डस्की ब्राउन है सब पे ये शेड काफी ज्यादा सुंदर लगेगा ठीक है उसके बाद जो शेड uh, है वो है ये मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक मैंने देखा है ना कि इस शेड के बारे में मतलब इस रेंज के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते बट ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है बहुत ही अच्छे से ये लिप्स पे ग्लाइड हो जाती है बहुत ही पिगमेंटेड है अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड है तो उनको अच्छे से ये कवर कर देती है लॉन्ग लास्टिंग है ट्रांसफ़र प्रूफ है स्मच जितनी भी लिपस्टिक हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है एंड लिप्स पे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं लिप्स को हाइड्रेटेड रखती हैं मॉइस्चराइज रखती हैं एंड इसको भी मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ आपको ये आप देख सकते हैं ये शेड भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड है और बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करेगा अगर आपकी स्किन मीडियम डस्ट की डस्की या यू you नो know, ब्राउन है और बिल्कुल यू you नो know, जैसे आपके लिप्स बट बेटर वाले लिप्स ऐसा ही लगेगा और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये लिपस्टिक्स ठीक है उसके बाद जो लास्ट शेड है वो है ये ज़ीरो वन कैरमल न्यूड और ये जो लिपस्टिक है ना ये सबसे पहली लिपस्टिक थी जो मामा अर्थ ने लॉन्च की थी मामा अर्थ नेचुरली मैक लिप सिरम करके आई थी ये इतनी ज़्यादा इसका जो फॉर्मूला था वो इतना ज़्यादा लाइट था बिल्कुल भी ये लिप्स पे पता नहीं चलती थी कि हमने क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वो थोड़ी सी यू नो ड्राई कर सकती है लिप्स को लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए इसका जो नाम था वो लिप सिरम के नाम से था इसका शेड देखो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल इसका शेड है यू कैन सी बहुत ही सुंदर इसका शेड है एंड ये भी लिप्स को अच्छे से कवर कर देती है लॉन्ग स्टे है बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है स्मच नहीं होती है एंड uh, काफी लॉन्ग uh, टाइम तक चलती है लिप्स को काफी ज्यादा कंफर्टेबल रखती है एंड uh, लिप्स को काफ़ी हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज भी रखती है बिल्कुल भी आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई फील नहीं होंगे एंड इसकी खास बात ये भी है कि ये लिप्स पे जब कुछ लिपस्टिक्स हटने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा यू नो लाइंस में सेटल हो जाती हैं या फ्लेकी सी लगती हैं तो इसके साथ ऐसा नहीं है अगर ये हटेगी भी तो जो लिप्स पे थोड़ा सा इसका स्टेन रह जाएगा वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ठीक है अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो इन सब के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ये आपको अमेजन नाइका फ़्लिपकार्टल एंड खुद मामाअर्थ की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो मैं यहां पे अपना कूपन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हाँ जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से कुछ भी करते हैं तो अर्थ आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस ट्री से जो कि यह खुद प्लांट करते हैं क्योंकि मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का और हां मामा अर्थ अभी तक ना ऑनलाइन ही था बट अब उसके ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन हो चुके हैं तो ये मुझे पॉम कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस ने मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर स्पॉट किए हैं मामा अर्थ का ऐप भी है अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो अपडेटेड रहेंगे जो भी इनकी सेल्स वगैरह चलती हैं जो भी ऑफर्स होते हैं आपको वहां पर बहुत ही अच्छी डील्स मिल जाएंगी और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर